क्या सोनिया गांधी के मुकाबले राहुल की राह में अधिक चुनौतियां हैं? क्या सोनिया गांधी से कठिन है राहुल गांधी की राहें? राहुल गांधी को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुन लिया गया है। अपनी मां सोनिया गांधी की जगह अब भले ही पार्टी की कमान उनके हाथों में आ गई हो, लेकिन पार्टी को संवारना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। दरअसल साल 1991 में ही राजीव गांधी के निधन के बाद पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया था, लेकिन तब सोनिया गांधी ने न सिर्फ इसे ठुकरा दिया बल्कि राजनीति में नहीं आने की कसम भी खा ली। आलम यह हुआ कि कांग्रेस की हालत दिन पर दिन बुरी होती गई। पार्टी नेताओं के दबाव के चलते सोनिया गांधी ने आखिरकार साल 1997 में पार्टी की सदस्यता ली और अगले साल यानी 1988 में अध्यक्ष चुने गए। 19 साल पहले सोनिया ने जब कांग्रेस की कमान संभाली थी तब भी पार्टी की सियासी हालत बेहद कमजोर थी। हालांकि अध्यक्ष बनने के बाद भी सोनिया को कई सालों तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वहीं साल 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार से भी सोनिया को जोर का झटका लगा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी रही। अब जब राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी गई है तब भी कांग्रेस की हालत खस्ता है। 2004 और 2009 में सरकार बनने के बावजूद 2014 में कांग्रेस को जोर का झटका लगा। नरेंद्र मोदी नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद पार्टी को महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, असम और झारखंड समेत कई राज्यों में करारी हार मिली। यहां तक कि निकाय चुनावों में भी कांग्रेस अपनी साख नहीं बचा पाई। फिलहाल राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुजरात चुनाव है। इसके बाद उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी से दो हाथ करना है। पार्टी की खोई जमीन वापस दिलाने के लिए राहुल को एक बेहद ताकतवर प्रतिद्वंदी से मुकाबला करना होगा। अपनी मां सोनिया गांधी की तरह कांग्रेस को 2004 और 2009 जैसी जीत दिलाने में कामयाब हो पाएंगे? इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।